हेलो दोस्तों, गुड़िया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम लौकी की नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम उसको धो लिए लौकी को, और हम उसको पोटैटो कटर से छीलेंगे। सबको छील लिए हैं और इसको हम पतला पतला काटेंगे, न मोटा न पतला काटेंगे। कद्दू, बहुत बिहार में इसको कद्दू कहते हैं और आप लोग बाहर में लौकी कहते होंगे। सबको पतला पतला काट लिए हैं और इसमें सरसों का फोड़न छोटा चम्मच से डाल दिए हैं। तेल गर्म होने पर मिर्चा भी डाल दिए हैं। लाल हो गया है तो कद्दू डाल देंगे, लौकी डाल देंगे, और हम इसको अच्छे से चला रहे हैं बिना मसाला का। बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छे से चला दिए इसको, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, एक चम्मच छोटा चम्मच, और नमक अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक इसमें डालने पे ना बाद में गल जाता है। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम हल्का सा। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, फिर इसको हम चला देंगे अच्छे से, क्योंकि सटे नहीं। एकदम ताज़े कद्दू, ताज़े लौकी में पानी छूट जाता है। फ्लेम कम कर दिए हम। कद्दू इसलिए बोल दे रहे हैं कि हम लोग हमेशा इसको लौकी को कद्दू कहते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, फिर देखते हैं, एक बार फिर इसको चला देंगे। देखते हैं छूकर हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा और होगा। 5 मिनट फिर ढक दिए। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए सब सब्जी तैयार हो गया। भुजिया मसाला डालते हैं, इसको भुजिया कहते हैं। इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।